गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं लाबिम्स। मैं आपका प्यारा मित्र सीपी यादव और आप देख रहे हैं लाबिम्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे बन के तक पहुंचाने में मदद कीजिए। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान एपीओ का एग्जाम का सिलेबस आ चुका है और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एपीओ एग्जाम की हिंदी सिलेबस फर्स्ट क्लास। हिंदी सिलेबस की फर्स्ट क्लास में हम सभी लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट द नाउन, संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है, किस तरीके से उसे इंडिफाइनेट करना है, किस तरीके से पहचानना है, किस कौन सी संख्या कैसी होगी, किसे पहचानना है। आज हम सभी लोग छोटे से संख्या समय में सभी चीजों को कवर करेंगे, नाउन और प्रोनाउन दोनों, संख्या और सर्वनाम दोनों हिंदी के लैंग्वेज में। तो हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग अटेंड करते हैं संज्ञा। देखिए बेटा, जो आपका संज्ञा वर्ड है, ठीक है, क्या पढ़ने वाले आज हम लोग, संज्ञा नाउन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा बेटा देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है। संज्ञा कितने वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से। एक सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा से मिलकर क्या बना है, संज्ञा। ठीक है, कभी कभी ये भी एग्जाम पूछ लेता है कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन ज्ञा। इतना समझा बेटा। उसके बाद संज्ञा को हम प्राचीन समय में, मतलब आज से कुछ समय पहले, प्रमुख दो भागों में बांटते थे। हम लोग उसका आधुनिक और प्राचीनतम दोनों रूप लेकर चलेंगे ताकि हमें कोई भी डिफिकल्टीज ना हो किसी भी चीज को समझने में। तो संज्ञा को हम दो भागों में बांटते थे पहले समय में। पहला होता था यथार्थवाचक। पहला क्या होता था बेटा, यथार्थवाचक। और आपका सेकंड होता था भाववाचक। भाववाचक जो यथार्थवाचक होता था बेटा, उसका मतलब था कि वास्तव में जो दिखे, क्या हो, वास्तव में जो दिखे, मतलब दिखने वाले को हम लोग क्या कहते थे, यथार्थवाचक। और भाववाचक जो ना दिखे, जो ना दिखे। ठीक है, तो प्रारंभ में संज्ञा को हम दो भागों में बांटते थे, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक में आपके तीन होते थे। तीन में कौन कौन सा होता था बेटा, तीन में पहला होता था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। क्या कौन सा था, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक और चौथा नंबर का होता था आपका द्रव्यवाचक। ठीक है, चौथा क्या होता था, द्रव्यवाचक। इन चारों को मिलाकर क्या बनता था, यथार्थवाचक। जैसे कि यथार्थवाचक वास्तव में जो दिखे, दिखने का मतलब है कि जो आपको वास्तव में दिखाई दे प्रत्यक्ष रूप से वो प्रमाणित हो। जैसे कि कह सकते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है कि यदि एक व्यक्ति है तो भी आपको दिखाई देगा, दो है तो भी, तीन है तो भी, चार है तो भी, एक से अधिक है तो भी। जातिवाचक में आप सभी लोग देखते हैं कि एक से ज्यादा, एक से अधिक व्यक्तियों की बात करता है तो भी हमें दिखाई देता है, समूह की बात करता है तो भी हमें दिखाई देता है, द्रव की बात करता है तो भी हमें दिखाई देता है। लेकिन एक ही ऐसी चीज है, भाव, जो कभी दिखाई नहीं देती। जैसे दुख का भाव, सुख का भाव, हंसने का भाव, हंसने का भाव तो हालांकि दिखाई देता है, मतलब अंदर की जो आपकी चीजें हैं, जैसे मर्सी, दया, तो दया आप कभी देख सकते हैं नहीं, दया आपके कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है। तो जो जब कोई भी आपके कोई भाववाचक हो, प्राचीन समय में संज्ञा का मतलब, संज्ञा को जो संधि होती थी, संधन ज्ञा से मिलकर बनता था, जिसमें दो भागों में बांटा गया था, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक में होता था जो वास्तव में दिखे उसे यथार्थवाचक कहते थे, और वास्तव में दिखने वाली चार चीजें थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और एक अलग से था आपका भाववाचक, जो कभी दिखाई ना दो, मतलब जो कभी यथार्थ ना हो। ये सभी क्या थे, ये सभी आपके प्राचीनतम रूप थे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक में कौन कौन से थे। इसको आप लिखते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है आज का वीडियो। संज्ञा आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक में आप सभी देखते हैं इसके कुल तीन भेद हैं। कितने हैं, तीन। कौन कौन से जरा समझते चलिएगा, आधुनिक में तीन है। पहले की बात करें तो पहला जातिवाचक, पहला क्या होता है, जाति वाचक। दूसरा होता है व्यक्तिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक। भाववाचक इसमें बेटा जो होते हैं ना, जातिवाचक में ये आपके दो आते हैं, एक होता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक।
समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये दोनों किस में आते हैं बेटा? जातिवाचक में। ठीक है, इस कारण बस प्राचीन समय जो वर्तमान समय है संख्या कितने भेद माने जाते हैं? आधुनिक में तीन भेद है। कितने भेद है? तीन भेद है। किसके? संज्ञा के। संज्ञा के आधुनिक में कितने भेद है? तीन भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इतना समझ में आप सभी को? इतना क्लियर है? आगे चले तो सबसे पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक ये होता क्या है? व्यक्तिवाचक का सीधा स्वरूप है कि जहां कहीं भी किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक या एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में वर्णन हो। यही समझिए कि जहां पर एक वचन हो या जिसके जैसा दुनिया में कोई ना हो। क्या हो? एक वचन हो या जिसके जैसा दुनिया में कोई ना हो। ठीक है, मतलब कहीं भी यदि एक व्यक्ति है तो भी आपका व्यक्तिवाचक होगा, और जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं वो भी क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक होगा। जैसे कि आप ले सकते हैं आपका NH7, ताजमहल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या कोई नाम जैसे मोहन, सोहन आदि। ठीक है, इतना समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति वस्तु का बात करे या जिसका जैसा दुनिया में कोई नहीं हो, मतलब सिर्फ इकलौता ऐसा पर्सन हो जो इस दुनिया में हो, जैसे कि NH7, ताजमहल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मोहन, सोहन, राकेश, रोहन, कोई भी नाम, सब क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक है। दूसरा देखें जातिवाचक। जातिवाचक आपका व्यक्तिवाचक का ठीक अपोजिट होता है, मतलब यह बहुवचन होगा और क्या होगा? जिसके जैसा, सब अपना डिफिनेशन लिखते चलेगा, जिसके जैसा दुनिया में बहुत से हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जातिवाचक में वो होगा जहां पर बहुवचन हो, और बहुवचन के साथ साथ क्या होना है? जिसके जैसा दुनिया में एक नहीं एक से ज्यादा हो, तो क्या होगा बेटा? वो आपका होगा जातिवाचक। इतना समझ में आया? जैसे कि आप सब ले सकते हैं लड़का, पर्वत, कुत्ता, नदी। लड़का, पर्वत, कुत्ता, नदी और क्या लिख सकते हैं? ग्रह, ये सभी चीजें। ठीक है, तो इतना समझ में आया जातिवाचक में? तो जातिवाचक में क्या बताया गया? दोनों में देखिए सिमिलरिटी है, व्यक्तिवाचक में कोई एक व्यक्ति होगा, जातिवाचक में एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे। अगला है तीसरा नंबर भाववाचक, इसको नोट डाउन कर लीजिए और विद्युत पढ़ते चलिए। तीसरा है भाववाचक। क्या है बेटा? भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? भाववाचक में जहां कहीं किसी भी व्यक्ति की अदृश्य चीजों की बात की जाए या एक वचन हो। क्या हो? एक वचन हो, अदृश्य चीजों की बात की जाए या जिसे प्लेट में रखा जा सके, जिसे प्लेट में ना रखा जा सके, मतलब ऐसी चीजें जिसको हम कभी नाप नहीं सके, वो सभी क्या है? भाववाचक। भाववाचक के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे निराशा। क्या निराशा आपका अदृश्य होता है ना? निराशा, भूख, प्यास। ठीक है, निराशा, भूख, प्यास, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी आदि। ठीक है, तो ये बताइए भाववाचक में क्या होगा? एक वचन होगा, अदृश्य चीजें होंगी जिसको कभी देखा नहीं जा सकता, जिसे प्लेट में ना रखा जा सके, ये तीनों इसकी डिफिनेशन है। कभी भी डिसीजन पूछ सकता है कि ये बताइए अदृश्य चीजों को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, या जिसे प्लेट में ना रखा जा सके वो क्या होता है? वो आपका होता है भाववाचक संज्ञा। इतना समझ में आया? जैसे निराशा, भूख, प्यास और आपका ये प्यास है बेटा, निराशा, भूख, प्यास, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी आदि। इतना समझ में आया? नेक्स्ट देखिए फोर नंबर समूह। समूहवाचक,
समूहवाचक में सीधा सा है कि हमेशा आपका क्या होगा, ये आपका होगा बहुवचन या जिसकी गिनती हो सके, मतलब जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके वो सभी क्या होते हैं आपका समूहवाचक। तो सीधी सी बात क्या है, समूहवाचक का तात्पर्य क्या है कि जिसकी गिनती हम कर सके वो सब क्या होता है बेटा समूहवाचक, मतलब जिसको हम गिन सके गणना कर सके वो सब क्या होगा समूहवाचक। जैसे उदाहरण ले लीजिए, भीड़ कक्षा सेना पुलिस, कोई भी भीड़ है तो आप भीड़ को गिन सकते हो, कक्षा है तो भाई गिन ही सकते हैं, सेना है तो सेना भी सीमित होगी, कोई ना कोई संख्या होगी अवश्य ही, और अगर पुलिस है तो उसकी भी कोई ना कोई संख्या होगी, सॉरी पुलिस, ठीक है, ये सभी आपके हो गए समूहवाचक संज्ञा। तो इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं लास्ट वाला, इसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट हो गया, फिफ्थ नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है बेटा, जहां कहीं किसी भी चीजों की गिनती ना हो सके, मतलब जिसकी गिनती ना हो सके, यही कहें जिसे प्लेट में रख सकते हैं, प्लेट में रखा जा सके, कहने का मतलब है कि कभी गिन तो नहीं सकते लेकिन उसे प्लेट में रख सकते हैं, अर्थात उसका गणना कर सकते हैं। गणना किन किन चीजों का कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लोहा तांबा ऊन, रेशम सोना चांदी आदि, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं ना कि इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, गिनती तो नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं प्लेट में रखते हैं या उसकी तुलना करते हैं या उसे नापते हैं जोखते हैं द्रव के रूप में, वो सभी क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इतना समझ बेटा, आप सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार फटाफट कमेंट करिए, अगर आ गया तो थम्स अप करिए, फटाफट थम्स अप करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, एक शॉर्ट नोट देखेंगे संज्ञा का, ठीक है, कैसे शॉर्ट नोट बनाना है संज्ञा के बारे में वो हम आपको तुरंत बताने वाले हैं, और इसी क्लास में हम लोग देखेंगे कि संज्ञा का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। इतना हो गया बेटा, लाइक थम्स अप करिए फटाफट से, और लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और लाभ उसको वन के तक पहुंचाने में मदद कीजिए। चलिए शुरू करें, तो हम सभी देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स में किस तरीके की संख्या का आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं इन वन लाइनर अप्रोच में, ठीक है, वन लाइनर अप्रोच में आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो वन लाइनर अप्रोच में बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है बेटा, बस उसे समझिए, सबसे बीच में क्या करिए आप लिखिए संज्ञा, यहां क्या लिखना है संज्ञा, सेंटर में क्या लिखना है संज्ञा। इसमें देखा क्या हमने कि उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, तीन, उत्पत्ति के आधार पर तीन, व ऐसे कैसे ऐसे कितने हैं पांच, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तीन, तो कौन कौन थे अभी हमने देखा ना, उत्पत्ति के आधार पर तीन कौन कौन थे, जल्दी फटाफट कमेंट करिए, व्यक्तिवाचक भाववाचक, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, बताइए फटाफट कमेंट करिए, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक क्या क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक भाववाचक और क्या था जातिवाचक, उत्पत्ति के आधार पर तीन हो गए कितने तीन, कौन कौन से व्यक्तिवाचक भाववाचक जातिवाचक, ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर तीन आपके हो गए, और वैसे नॉर्मल कितने बन जाते हैं पांच बन जाते हैं ना, तो वो पांच कौन कौन से हैं यही साइड में करके आप लिख सकते हैं, और बाकी पांच कौन कौन से हैं, बाकी पांच जो बच रहे हैं उसको रेड पेन से लिख लीजिए, कौन कौन से बच रहे हैं, द्रव्यवाचक बच रहा है और कौन सा बच रहा है समूहवाचक, तो यहां लिख दीजिए द्रव्यवाचक और समूहवाचक, हो गया, इस तरीके से आपका पांच हो गए और उत्पत्ति के आधार पे तीन हो गए, व्यक्तिवाचक भाववाचक जातिवाचक, इतना समझा बेटा।
अगला देखिए, अगला है सभी को हम लोग शॉर्टर से बनेंगे। सबसे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक क्या था, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक की परिभाषा, ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सेकंड क्या हमने देखा, सेकंड आपके पास व्यक्तिवाचक के बाद क्या था, जातिवाचक, जातिवाचक। तो इसमें लिखिए जातिवाचक में कि जब कहीं किसी जाति का बोध हो, जब कहीं क्या हो, किसी जाति का बोध हो। कौन कौन सी जाति हो सकती है, पद का नाम हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, संबंध हो सकता है। पद का नाम, उदाहरण लिखते चलिए, व्यवसाय, संबंध, प्राकृतिक आपदा आदि, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी आपके जातिवाचक के उदाहरण हैं। पद का नाम जैसे डीएम, एसडीएम, प्रिंसिपल, टीचर्स, ये सभी क्या है, पद का नाम है ना, लड़के, विद्यार्थी, ये सभी क्या है, पद है। तो पद का नाम हो सकता है, आपका व्यवसाय हो सकता है, जैसे कृषि करना, ये करना, वो करना, इसे रिकवर करना, संबंध बताना, ये सभी क्या है, जातिवाचक। तो जातिवाचक समझ में आ गया। तीसरा है समूहवाचक। तीसरा क्या है, समूहवाचक, जहां क्या हो बेटा, एक से अधिक व्यक्ति का बोध होना, समूह का बोध हो, समूह का बोध हो। शॉर्ट कट में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स में, एक ही वीडियो में सब कंप्लीट, एक ही नोट्स में सब कंप्लीट। तो समूहवाचक में क्या होगा, सेना होगी, पुलिस होगी, परिवार होगा, मंच होगा, क्या होगा उदाहरण, सेना, पुलिस, परिवार, मंच, गिरोह, जनता, ये सभी क्या है, समूहवाचक है। समूहवाचक बाद क्या है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या लिखिए बेटा, सीधा लिखिए, जिसे मापा या तौला जा सके, मतलब जिसकी हम माप करें या तौल पर आधारित, या तौले, ठीक है, माप या तौल पर आधारित हो। तो कौन कौन से ऐसी चीजें जो माप और तौल पर होती है, जैसे तेल, दूध, चांदी, सोना, तेल, दूध, चांदी, सोना आदि, ठीक है। तो द्रव्यवाचक समझ में आया। लास्ट क्या है द्रव्यवाचक के बाद, भाववाचक। पांचवा भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा में सीधी सी बात है, जहां कहीं क्या हो, किसी स्वभाव का बोध हो या गुण का बोध हो, मतलब जहां कहीं क्या हो, कोई गुण हो या किसी का स्वभाव हो, मतलब किसी गुण या स्वभाव का वर्णन हो, स्वभाव का वर्णन हो या बोध हो, ठीक है, वहां क्या होगा, भाववाचक। तो भाव कौन कौन से हो सकते हैं, क्रोध, दया, गरीबी, विकास, ममत्व, क्रोध, दया, गरीबी, प्यास, भूख, ठीक है, आदि। तो ये समझ में आया। और अभी हमने क्या देखा था, संज्ञा कितने शब्द से मिलकर बना था, दो शब्द से मिलकर बना था ना, सम धन ज्ञा इक्वल टू संज्ञा। और संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं वर्तमान में, तीन भेद माने जाते हैं, यहां लिख दीजिए तीन भेद, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया संज्ञा का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाइए। और जो आपका संज्ञा है ये सिर्फ आपके एपीओ के एग्जाम में नहीं बल्कि ऑल कंपटीशन एग्जाम में संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, या किसी भी एग्जाम को आप उठाकर देख लीजिए, हिंदी सिलेबस आना कंपलसरी है, चाहे आपका राजस्थान का एपीओ, कोई भी एपीओ एग्जाम हो, अदरवाइज आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप बी, ये सभी, उनसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं, खासकर के यूपी के एग्जामों में और अदर स्टेट एग्जामों में। तो आज भी यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे वन के तक पहुंचाने में मदद कीजिए। आज भी इतना ही, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।